हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज। विजिट का मतलब होता है घूमना या फिर यात्रा, और कैम्ब्रिज जगह का नाम है। ठीक है, तो कैम्ब्रिज को की ओर यात्रा या कैम्ब्रिज की यात्रा। तो इस चैप्टर में जो राइटर हैं या ऑथर जो है, उन्होंने अपने कैम्ब्रिज विजिट के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या हम चैप्टर में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, तो पढ़ने से पहले, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। तो ये जो कहानी है वो किसकी कहानी है? दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण लोगों के मिलने की कहानी है। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड, और दोनों क्या थे? डिसेबल्ड। डिसेबल्ड वो होता है जो शारीरिक रूप से जो कमजोर होते हैं, विकलांग कह सकते हैं हम उनको। तो दोनों ही क्या थे? डिसेबल्ड थे, शारीरिक रूप से कमजोर थे, और डिफरेंटली एबल, या हम उनको डिफरेंटली एबल भी कहते हैं, एज वी नाउ से, जैसे कि आजकल हम कहते हैं। आजकल हम डिसेबल्ड वर्ड नहीं कहते, आजकल हम उनके लिए डिफरेंटली एबल कहते हैं, यानी कि कुछ चीजों में वो एबल होते हैं। इनफैक्ट उनके अंदर कुछ ऐसी बहुत सारी क्षमताएं होती है। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद जो स्टोरी में जिनकी बात की गई है, वो क्या उनके पास क्या था या कितने वो महान थे। स्टीफन हॉकिंग, तो स्टीफन हॉकिंग आप सभी को पता है स्टीफन हॉकिंग कौन है। वो एक साइंटिस्ट थे, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ अवर टाइम। तो हमारे समय के राइटर कह रहे कि स्टीफन हॉकिंग हमारे समय के एक महान वैज्ञानिकों में से एक है। ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हीलचेयर। तो उनको क्या था? पैरालिसिस था। पैरालिसिस में क्या होता है? पैरालिसिस में आपकी बॉडी काम नहीं करती है, बॉडी के जो भी आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, जैसे आपके हाथ, आपके पैर, वो आपका साथ नहीं दे पाते हैं, तो वो पैरालिसिस होता है। तो उनकी बॉडी क्या था? वो पैरालिसिस थे, और इसलिए वो व्हीलचेयर की हेल्प से चलते थे। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर। और वो बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन वो कैसे बोलते थे? बोल तो पाते थे, लेकिन कैसे? वो क्या करते थे? उन्होंने क्या किया था? एक कंप्यूटर बनाया हुआ था, तो उस बटन को वो पंच करते थे और फिर वो कंप्यूटर साउंड निकालता था। विच स्पीक्स फॉर हिम, वो ऐसा कंप्यूटर जो उनके लिए बोलता था, वो खुद से नहीं बोल पाते थे, वो कंप्यूटर की हेल्प से बोलते थे। विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, और आवाज कैसी थी? मशीन की जैसी। फिरोज कांगा इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स इन एंड वर्क्स इन मुंबई। तो फिरोज कांगा जो है, जो स्टोरी के राइटर है, वो एक राइटर भी है यानी कि लेखक भी है, और साथ में एक जर्नलिस्ट भी है, पत्रकार भी है। जो कहाँ पर रहते हैं? हु लिव्स इन, जो रहते हैं मुंबई में, काम भी वो वहीं पर करते हैं। कांगा वॉज बॉर्न विथ ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स का मतलब होता है बहुत कमजोर, टूटी टूटी हड्डियाँ, दैट टेंडेड टू ब्रेक इजिली, जो आसानी से टूट जाए। वॉज वेन ही वॉज अ चाइल्ड, तो जब वो बच्चे थे तो उनकी हड्डियाँ जो थी तो आराम से टूट जाती, यानी उनकी खेलने कूदने में ही उनकी हड्डियाँ जो थी वो टूट जाती थी। लाइक हॉकिंग, तो हॉकिंग के जैसा कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। तो हॉकिंग के जैसे ही जो कांगा थे, वो भी किस में चलते थे? व्हील चेयर में चलते थे। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर। तो दो जो ग्रेट लोग थे, स्टीफन हॉकिंग और जो फिरोडोस कांगा जो है, वो जब मिले तो उन लोगों ने अपने थॉट्स, अपने विचार बांटे, और क्या विचार बांटे? कि कैसे जीवन बीतता है एक व्हील चेयर में, एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। और उन लोगों ने क्या बातचीत करी कि जो नॉर्मल है, यानी कि हम जैसे जो लोग हैं, वो कैसे क्या सोचते हैं जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। मेटाफॉर का मतलब होता है जब आप किसी की तुलना किसी चीज से करते हो। तो कह रहा है इसमें राइटर की, जब भी मैं कैम्ब्रिज जाता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इंग्लैंड में गया हूँ। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑलटुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। और कह रहे हैं कि जब मैं वहां से निकला या मैं कैम्ब्रिज से वापस आया, तो मैं बिल्कुल ही बदल चुका था। और क्यों बदल चुका था? बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहां किससे मिला था? अ ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग से मिला था मैं वहां पे। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग। तो कब की बात है ये? मैं गया था एक टूर पे, ठीक है, जहाँ पर जो गाइड था मेरा, गाइड क्या होता है? गाइड कौन होता है? जो बताता है आपको कि कहाँ जाना है, आपको डायरेक्शंस के बारे में बताता है, ठीक है।
तो जो गाइड है उसने मुझे स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया था। उन्होंने बोला था कि पुअर मैन, बेचारे आदमी, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो क्या है डिसेबल्ड है, उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही है बिकॉज उनको पैरालिसिस है, दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन। कहते हैं कि यद्यपि वो क्या है आइजैक न्यूटन के ही उत्तराधिकारी हैं या उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं, हूज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, और उन्हीं की कुर्सी पर, उन्हीं की चेयर पर वो यूनिवर्सिटी में अभी हैं। एंड आई स्टार्टेड, तो मैंने बोला बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रो फिजिस्ट द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो मैं भूल गया था कि जो स्टीफन हॉकिंग्स है वो एस्ट्रोफिजिक्स तो है। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है? एस्ट्रोफिजिक्स वो होते हैं जो क्या करते हैं स्टार्स के बारे में, प्लेनेट्स के बारे में, और जो हमारे और भी ग्रह हैं उनके बारे में वो पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं, उनको एस्ट्रोफिजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो एस्ट्रोफिजिस्ट होने के साथ साथ वो एक बुक के राइटर भी थे, और वो बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर, और ये बुक जो है सबसे ज्यादा बिकती है लिव्ड हेयर। ठीक है, और वो जो बुक है वो किसने लिखी थी? स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी, और बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो मुझे भूल गया था मैं एक बार कि स्टीफन हॉकिंग जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स तो है ही, लेकिन साथ में इस बुक के राइटर भी हैं, वो यहीं पर रहते हैं। When the walking tour was done, तो जब हम घूम चुके थे, I rushed to a phone booth, तो मैं एक फोन बूथ पे गया, almost tearing the cord so it could reach me outside, तो मैंने उसकी कॉर्ड, जो उसकी वायर होती है, उसको क्या किया, अपने वो थोड़ी सी टूटी हुई थी, तो मैंने, मुझे लगा ये टूट जाएगी, तो मैंने उसको पूरा, जो डायलिंग पैड होता है उसको अपने हाथ में पकड़ा, फोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, और स्टीफन हॉकिंग के घर को, घर में फोन मिलाया। There was his assistant on the line. तो line में कौन था? उनका assistant. And I told him I had come in a wheelchair from India. और मैंने बताया कि मैं India से wheelchair में आया हूँ. Perhaps he thought I had propelled myself all the way. शायद उसे लग रहा होगा कि पूरे रास्ते में खुद को धक्का देते हुए आया हूँ wheelchair में. To write about my travel in Britain. और मैंने उससे बोला कि मैं India से आया हूँ wheelchair में. यानी कि उनके कहने का मतलब था मैं भी एक disabled हूँ. और मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे? अपने टूर के बारे में लिखने के लिए, ब्रिटेन, जो मैंने ब्रिटेन में टूर, यानी कि ब्रिटेन घूमने में जो आया उसके बारे में लिखना है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू। तो फिर कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ स्टीफन हॉकिंग से मिलना है, भले ही मुझे सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम क्यों ना मिले, हाफ एन आवर ही सेड। फिर उन्होंने कहा आधा घंटा चलेगा, फ्रॉम 3:30 to 4, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आधा घंटा आप मिल लेना 3:30 to 4 एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। तो अचानक से क्या हुआ, मुझे कुछ कमजोरी सी महसूस होने लगी, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, क्योंकि मैं क्या था, डिसेबल्ड, बचपन से डिसेबल्ड था। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, आप थक जाते हो सुनते सुनते कि लोग आपसे कहते हैं बहादुर बनो, एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। ऐसा लगता है कि आपके पास कोई करेज अकाउंट है, आपके अंदर कोई साहस का अकाउंट है, और आपको आलस आ रहा है वहां से चेक निकालने में, और लोग आपसे क्या, आपको भाषण देते रहते हैं कि आप ब्रेव बनो ब्रेव बनो, और उनको लगता है कि आपने जो आपकी जो बहादुरी है आपने कहीं अकाउंट में छुपा रखी है, और आपको चेक से बाहर निकालने में या चेक निकालने में डर लग रहा है, लेजी हो आप। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू। तो केवल एक चीज आपको स्ट्रांग बना सकती है, आपको मजबूत बना सकती है, जब आप खुद की तरह किसी और व्यक्ति को देखते हो अचीविंग समथिंग ह्यूज, जो बहुत कुछ अचीव कर लिए होते हैं, यानी कि जिन्होंने बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर ली होती है, आप कोई ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो बिल्कुल आपकी तरह हो, जिन्होंने डिसेबल्ड होते हुए भी बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर ली है, देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। फिर आप सोचेंगे देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, आप सोचेंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। और फिर आप क्या करते हैं, आप जितना आप सफल हो सकते हैं, या आप अपनी लाइफ में जितने सफल हो सकते हैं, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी आप करते हो। I haven't been brave, said his disembodied
कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून. तो जब मैं उनसे मिलने गया, यानी कि किससे मिलने, स्टीफन हॉकिंग से मिलने, तो जब मैं स्टीफन हॉकिंग से मिलने गया, आई हैव, उन्होंने कहा नहीं, यानी कि उनकी जो कंप्यूटर वॉइस थी, कंप्यूटर वॉइस ने कहा कि आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं कभी भी बहादुर नहीं था. द नेक्स्ट आफ्टरनून, ठीक है, अगली आफ्टरनून को जब उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा कि मैं कभी भी बहादुर नहीं था, आई हैव हैड नो चॉइस, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं था कि मैं ऐसे काम करूं या अपने मेरे अंदर जो टैलेंट है उसको मैं निखारूं. श्योरली आई वॉन्टेड टू से लाइव क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ दिस इंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस. तो फिर मैंने कहा कि क्या ऐसा होना एक चॉइस है, बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रह गया, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम. लेकिन मैं शांत हो गया क्यों, क्योंकि जब भी मैं उनसे बात करता था मुझे बड़ा गिल्टी फील होता था, बड़ा अजीब सा लगता था, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं उनको बार बार उत्तर देने के लिए फोर्स कर रहा था, बिकॉज वो ऑलरेडी इतने परेशान थे अपनी बॉडी से. देयर ही वॉज टैपिंग एट, तो वहां पर वो थे टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक छोटा सा स्विच था, उसको वो दबा रहे थे, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड ऑन हिज कंप्यूटर. और क्या कर रहे थे वो, अपने कंप्यूटर में शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहे थे विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम. तो इतना ही मूवमेंट उनकी बॉडी में होता था. हिज लॉन्ग पील फिंगर्स, उनके लंबे लंबे पीले पीले फिंगर्स, नाखून थे. एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, तो बार बार उनकी जो आंखें हैं वो बंद हो जाती थी, परेशान होकर उनकी आंखें बंद हो जाती थी. एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, तो मैं उन्हीं के सामने बैठा हुआ था इसलिए मैं उनकी जो उनका जो एंग्विश है, यानी कि जो उनका गुस्सा है, उसको फील कर पा रहा था. द माइंड व्यूवेंट विद थॉट्स, उनका जो दिमाग था वो विचारों से भरा हुआ था. दैट कम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्प्सेस, जो किस रूप में बाहर आ रहा था, फ्रोजन फ्रेजेस के रूप में बाहर आ रहा था. अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, आई सेड. तो मैंने कहा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, वो क्रॉनिकली, यानी कि जन्म से ही या अंदर से, क्रॉनिकली का मतलब होता है बायोलॉजिकली, आप कह सकते हैं जैविक रूप से, जो कभी भी जो अंदर से एक्चुअल में वैसा होता है, तो क्रॉनिकली अनहैप्पी. वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि बहुत सारे लोग कहते हैं जो डिसेबल्ड लोग हैं वो क्रॉनिकली अनहैप्पी होते हैं, वो अंदर से ही बड़े नाखुश दुखी होते हैं. आई सेड, मैंने ऐसा कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ. फिर मैंने ये भी कहा कि हाँ मुझे पता है कि ऐसा नहीं है. आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, तो क्या आपको कभी अंदर से हंसी नहीं आती या आप अंदर से खुश होते हो. फिर स्टीफन हॉकिंस कहते हैं अबाउट 3 मिनट्स लेटर, लगभग 3 मिनट बाद, ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी, कहते हैं कि जब लोग क्या करते हैं, मुझे बड़ा दया सी दिखाते हैं या मुझे बोलते हैं कि तुम डिसेबल्ड हो, ऐसे कुछ मुझे सहानुभूति दिखाते हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा सा आता है. एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क. फिर मैंने पूछा, राइटर कह रहे कि मैंने पूछा क्या तुम चिड़चिड़े नहीं हो जाते हो जब कोई मेरे जैसा आपको मिलने आता है और आपके काम में आपको डिस्टर्ब करता है, आपको काम करने से रोकता है. द आंसर फ्लैश्ड यस, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बोले यस, हाँ. देन ही स्माइल्ड हिज वंस वे स्माइल एंड आई न्यू, तो फिर क्या, यस बोलने के बाद वो स्माइल करने लगे, मुस्कुराने लगे, बिल्कुल टेढ़ी सी हंसी उन्होंने दी, एक स्माइल दी, विदाउट सीइंग सेंटिमेंटल और सिली. That I was looking at one of most beautiful men in the world. लेकिन मुझे जरा सा भी बुरा नहीं लगा या मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं बेवकूफ़ी वाला मैंने बिल्कुल भी व्यवहार वहाँ पे नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं दुनिया के एक सबसे सुंदर व्यक्ति के सामने बैठा हुआ हूँ, और वो कौन थे, स्टीफन हॉकिंग थे. A first glimpse of him is shocking. तो उनका जो पहला दृश्य था या पहली जो झलक थी, glimpse मतलब होता है झलक, स्टीफन हॉकिंग की जो पहली झलक थी वो शॉकिंग थी, हैरान कर देने वाली थी, चौंका देने वाली थी, बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई फोटोग्राफ हो. एज स्टिल का मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ. एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न्ड 3D, ऐसा लग रहा था कि जो मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में उनकी पिक्चर्स आती वो कैसी पिक्चर्स है, 3D पिक्चर्स है, लेकिन सामने वो कैसे लग रहे थे, एक बिल्कुल फोटोग्राफ जैसे, स्टिल स्थिर फोटो की तरह लग रहे थे वो. देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू द स्लम,
फिर आप देखेंगे उनको कि उनका जो सिर है वो कंधों की ओर झुका हुआ है, स्टीफन हॉकिंग का। द टॉर्सो श्रंक इन साइड द पेल ब्लू शर्ट, द वेस्टेड लेग्स, और जो उनकी स्किन है वो ब्लू शर्ट के अंदर है, और द वेस्टेड लेग, और उनके पैर जो है बेकाम के हैं, इनकी कोई यूज उनका नहीं है। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक, और आप उनकी जब आंखें देखोगे तो उनकी आंखें इतनी सुंदर हैं जो बातें कर सकती हैं। स्टिल बिल्कुल शांत, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और उनकी आंखें जो है कुछ बड़ा कहती हैं हर टाइम, कुछ अर्जेंट कहती हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल वर्ड, और बताना मुश्किल होता है कि क्या कहती हैं, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन तुम हिल जाते हो अंदर से। आप स्टीफन हॉकिंग्स को देखेंगे तो आप अंदर से हिल जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देख लिया है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप कभी ऐसे देखोगे। बिकॉज वो क्या थे, वो एक महान वैज्ञानिक थे, ग्रेट साइंटिस्ट ही वॉज बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न। ऐसा लगेगा आपको कि आपके सामने लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर वॉर्न सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, तो आपको ऐसा लगेगा आपके सामने एक लालटेन रखी हुई है और उसकी जो वॉल्स है, जो चिमनी होती है, उसकी दीवारें घिस चुकी है और अंदर का पतली हो चुकी है और अंदर की लाइट आपको दिखाई दे रही है। इट इज द इनकैंडेंस ऑफ द मैन, तो यही इनकैंडेंस का मतलब होता है इनर ग्लो, आंतरिक जो अंदर की जो चमक होती है, तो यही उस इंसान के अंदर की चमक थी। द बॉडी, उनका जो शरीर था, ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, किसी काम का नहीं था, एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडो, ऐसा लग रहा था कि एक बक्सा है, किसका, शेडो, छाया का बक्सा है। सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्न आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल, इसलिए मैं जो है दैविक शक्तियों पे भरोसा नहीं करता था, या भरोसा नहीं करता हूँ। नाउ दैट दिस इज वर्ड ईच ऑफ अस, एवरीथिंग एज एन एसेसरी, एसेसरी का मतलब होता है नॉट एसेंशियल, एक्स्ट्रा, दो डेकोरेटिव, तो कहते हैं कि नाउ, सॉरी, नो दैट दिस इट वॉज ईच ऑफ अस इज एवरीथिंग एज एन एसेसरी, तो यही हमारे पास है कि हम सबके पास क्या है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता है। वट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बींग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, तो मैंने उनसे पहले पूछा था कि आपको क्या लगता है डिसेबल्ड होने का मैं सबसे अच्छा क्या चीज़ है सबसे अच्छी इसमें। आई डोंट थिंक देयर इज एनी थिंग गुड अबाउट बींग डिसेबल्ड, आई, तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि डिसेबल्ड होने में कुछ भी अच्छा है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, मुझे लगता है कि आपको भी पता चला होगा, क्योंकि आप भी डिसेबल्ड हो, आपको भी पता चला होगा कि ये दुनिया जो है कितनी दयालु हो जाती है हम जैसे लोगों को देख के। यस ही सेड, उन्होंने कहा हाँ, इट वॉज डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो, इसका मतलब हुआ कि आपकी आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव, उनकी आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, यानी कि हर प्रकार का जो वाक्य था वो एक ही तरह से आ रहा था, बिकॉज वो खुद नहीं बोल पाते थे। ही वॉज टॉकिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मदद से वो बोल रहे थे, तो कंप्यूटर तो फीलिंग्स उसको पता नहीं होती है, लेकिन जब हम सामने किसी से बात करते हैं तो हमारी आवाज़ में फीलिंग्स भी होती, उतार चढ़ाव होते हैं, तो उन्होंने यस कहा, पता नहीं चल रहा था कि वो कैसा फील कर रहे हैं या किस तरह से वो जवाब दे रहे हैं। नो शेड्स, नो और टोन, तो कोई टोन, कोई कुछ भी नहीं थी आवाज़ में उनके। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विथ हिम, और मैं बता नहीं सकता कि वो कैसे मेरे से सहमत हुए थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी टोन कैसी है, वो आवाज़ की टोन कैसी है, वो गुस्से में बोल रहे हैं या खुश होकर बोल रहे हैं या दुखी होकर बोल रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपने कंप्यूटर की मदद से बोल रहे हैं। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, तो जब भी मैं अपनी कुर्सी पे, अपनी चेयर पे थोड़ा सा शिफ्ट होता, बैठने की कोशिश करता या अच्छे से बैठता, और फिर मैं क्या करता या फिर मैं क्या करता मेरी कलाई में जो घड़ी थी उसको देखता मैं समय देखने के लिए। आई वॉन्ट टू मेक एवरी वन ऑफ अवर 30 मिनट काउंट, तो मैं चाहता था कि हमारा जो ये 30 मिनट की मीटिंग है हर कोई इसको काउंट करे। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, तो मुझे जब मैं उनसे मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी बॉडी में क्या था, बहुत सारी ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। How little it mattered then that I would never walk or even stand. तो फिर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा या कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा, ये कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करता,
I told him how he had been an inspiration beyond Klichi for me. Klichi का मतलब होता phrase और idea used so often that it loses its meaning. ठीक है, वो कहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आप मेरे लिए कितने बड़े inspiration हो, प्रेरणा के स्रोत हो, and surely of others, और दूसरों के लिए भी आप बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हो. Did that thought help him? तो क्या आपको, जब आपको पता चलता है कि आप दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, प्रेरणा के स्रोत हो, क्या आपको थोड़ा इससे हेल्प मिलता है, क्या आपको अच्छा लगता है ये सुन के? नो, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं. एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, तो मुझे फिर लगता है कि मैंने कितना बेवकूफी वाला सवाल उनसे कर दिया. व्हेन योर बॉडी इज अ क्लेस्ट्रोफोबिक रूम, क्लेस्ट्रोफोबिक रूम का मतलब है वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग इन अबनॉर्मल फेयर ऑफ बियरिंग. इसका मतलब है कि आप ऐसा रूम, ऐसी बॉडी जिसमें आपको घुटन होती हो, क्योंकि उनकी बॉडी तो उनका साथ नहीं दे रही थी, तो उनके उनकी बॉडी उनके लिए क्या हो गई थी, क्लेस्ट्रोफोबिक रूम हो गई थी. उस शरीर में उनको घुटन हो रही थी, इतने बड़े टैलेंटेड व्यक्ति का शरीर ऐसा, तो उनको घुटन तो होनी ही थी. व्हेन योर बॉडी इज अ क्लेस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैं उनसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, और उनका शरीर जो है वो क्लेस्ट्रोफोबिक रूम था, घुटन होती थी उनको उनके शरीर में, और उनकी जो स्किन थी, वॉल्स का मतलब होता है स्किन, वो धीरे धीरे पतली होती जा रही थी. इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल. और फिर उनको ये जानकर कैसे खुशी होती कि बाहर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो जिए, क्योंकि उनका शरीर तो उनके किसी काम का नहीं था. Is there any advice you can give disabled people? Something that might help make life better? तो फिर वो मैंने पूछा कि क्या आप disabled लोगों को, जो विकलांग लोग होते हैं या differently जो able होते हैं, उनको कोई सलाह देना चाहेंगे जो जो जिनसे उसकी help हो जाए, जिनसे उनकी life थोड़ी बेहतर हो जाए. They should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are a waste of time. दोनों ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको जिस काम में वो अच्छे हैं उन्हीं पे, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जो ओलंपिक होते हैं डिसेबल्ड लोगों के, वो बेकार की चीज़ है, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है. आई नो वट यू मीन, आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज. तो हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या क्यों ऐसा कह रहे हैं. मुझे याद है एक बार मैंने भी ये डिसेबल्ड ओलंपिक्स जो होता है उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे बजाने को मिला था स्पेनिश गिटार जो मेरी हाइट से काफ़ी ज़्यादा लंबा था. एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट, और मैंने बड़ी खुशी से इसको एक रात तोड़ दिया था. द हाफ आवर वॉज अप, तो आधा घंटा बीत चुका था, यानी कि उनका जो मीटिंग टाइम था वो ख़त्म हो चुका था. आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर. फिर मैंने कहा उनसे कि मुझे लगता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और फिर मैं जैसे कह रहा होता हूँ कि थैंक यू फॉर, वो कहते हैं बीच में स्टे, आई वेटेड, वो कहते कि रुको, तो मैं रुक गया उनके कहने से. हैव सम टी, उन्होंने कहा कुछ चाय पी लो, या चाय पी लेते हैं. आई कैन शो यू द गार्डन, फिर वो कहते कि मैं तुम्हें मेरा गार्डन दिखा सकता हूँ, बगीचा दिखा सकता हूँ. द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, और जो उनका गार्डन था वो इतना बड़ा था जैसे कोई पार्क होगा. बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने उस गार्डन का हर इंच उसको दिखाया, हर इंच मुझे दिखाया. बट रंबलिंग अलोंग हिज मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हाइल आई डॉग्ड टू कीप आउट द वे, और फिर कहते हैं कि वो अपनी व्हीलचेयर में बैठकर उन्होंने मुझे गार्डन का हर एक कोना दिखाया. We could not talk very much. हम लोग बहुत सारी बातें नहीं कर पाए. The sun made him silent. क्योंकि जो सूरज था उन्होंने उसको उनको silent कर दिया था. ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जो letters थे all his screen disappearing in the glare. क्योंकि sunlight की वजह से उनकी screen पर जो letters थे वो देख नहीं पा रहे थे. तो देख नहीं पाते तो वो कैसे पंच कर पाते या टाइप कर पाते. एंड आर लेटर, तो एक घंटे बाद वी वर रेडी टू लीव, तो मैं वहाँ से जाने वाला था, निकलने वाला था. आई डिड नॉट नो वट टू डू, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं ना ही उनको किस कर सकता था, ना उनको उनके सामने रो सकता था. आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधों को टच किया, छुआ. एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और फिर शाम की जो
शाम थी यानी कि गर्मी की जो शाम थी उसमें मैं बाहर आ गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मुझे पता था वो वेव कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं मुझे या मुझे बाय बाय टाटा कह रहे हैं। दो ही वॉजेंट, हालांकि वो नहीं कर रहे थे लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसा करेंगे क्योंकि अब वो दिल से तो कर रहे होंगे, अब उनके हाथ जो थे, हाथ पैर उनका साथ नहीं दे रहे थे, तो वो हाथों से या आउट हम कह सकते हैं एक्सटर्नली कैसे दिखाते कि वो उनको टाटा बाय बाय कर रहे हैं। वॉचिंग हिम, तो उनको देखते हुए एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड, द वन I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over for now. तो उनको देखते हुए मेरे अंदर क्या हुआ, बहुत बड़ा एक चेंज आया, मैं ब्रेवेस्ट खुद में, मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हो गया और मैं पहले जो मैंने कभी नहीं किया था वो फिर मैं करने लग गया। I knew that my journey was over, मुझे पता था कि मेरी जर्नी अब ख़त्म हो चुकी है for now, अभी के लिए, यानी कि जो उनकी जर्नी थी ब्रिटेन घूमने की जर्नी में गए थे वो उनकी खत्म हो चुकी थी। और ब्रिटेन में वो कहाँ किसे मिले थे, कैम्ब्रिज में किससे मिले थे, वो स्टीफन हॉकिंग से। तो स्टीफन हॉकिंग जो थे वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, हालांकि वो डिसेबल थे लेकिन वो उनके अंदर क्या था, ज्ञान का भंडार था। और 2018 में उनकी डेथ हो गई थी। तो इसके राइटर है फिरोडोस कांगा और ये लिया गया है फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, ठीक है, इस बुक से ये चैप्टर लिया गया आपके। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।